अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट निक खोखर एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म और शटर पर जो स्पेशल है रिटेनिंग वॉल के लिए। इन शटर की हाइट जो है, रिटेनिंग वॉल की हाइट जो है 4 मीटर कम से कम है। जो इसका शटर की विड्थ है वो 3 मीटर 20 सेंटी है, यानी इसकी हाइट 4 मीटर है और विड्थ 3 मीटर 20 सेंटी है। ये स्पेशल शटर बन के आए हैं इसके लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए। और इसका मैं आपको अगर इसका सारा व्यू देख लें और इसके बाद मैं आपको इसको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या चक्कर है, यानी क्या क्या सेफ्टी है इसमें, कितनी स्ट्रेंथ है। ये स्पेशल बन के आई है कंपनी से। अलुमा सिस्टम है शटरिंग का, जिस तरह डोका है इंटरनेशनल कंपनी, इस तरह ये अलुमा सिस्टम है कंपनी जिसने ये स्पेशल फॉर्म वर्क शटर तैयार किए हैं दीवार के लिए। आप देख सकते हैं यही आप नीचे लगेंगे रिटेनिंग वॉल में या कंक्रीट वॉल में। जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है खड़ा होने के लिए, जिससे कि ये सारा सिस्टम अल्मीनियम का है। इसमें ये नीचे अल्मीनियम के गार्डर लगे हुए हैं उनको फिर सपोर्ट देने के लिए, उसके ऊपर गार्डर लगे हैं। ये सब अल्मीनियम के हैं, नट बोल्ट के साथ इसको टाइट किया गया है। इसका ये स्ट्रेंथ इसकी कंप्लीट की गई है। इसके साथ इसकी ये वर्टिकलिटी के लिए इसको स्लोप में दोबारा जैक लगाए गए हैं, जिसकी जिससे इसको वर्टिकली जो है सपोर्ट दी जाती है। ये सारा इसका स्लोप है, एक ये जैक लगा हुआ है। इस जैक से भी इसको, यानी इसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा की गई है, मैक्सिमम की गई है। इसी तरह ये इसका जैक है, इस जैक से इसको आप वर्टिकली जो है ना इसको मूव कर सकते हैं, यानी जो भी एंगल आप देना चाहें। इसको थोड़ा सा लूज़ करके पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, जिस एंगल से। अगर आपको ये एंगुलर चाहिए तो फिर भी हो सकता है, अगर वर्टिकली चाहिए तो फिर वर्टिकली भी हो सकता है। यानी एक स्पॉट ये है स्लोप की और दूसरी ये है, दो स्पॉटें दी गई हैं क्योंकि हाइट ज़्यादा है, इसलिए इसमें दो स्पॉटें देनी बहुत ज़रूरी हैं। और इन स्पॉट्स को आपस में फ्लेक्सिबल ना हो या आगे पीछे ना हो, उसके लिए ये दोबारा इसके ऊपर इंडिया एक और गार्डर लगाया गया है, ताकि इसको मजबूत से मजबूत किया जाए। इसमें ये दो गार्डर एक ऊपर है एक नीचे है, यानी जो इसकी 3 मीटर 20 सेंटी वर्थ है उसमें 4 गार्डर इस्तेमाल किए हैं, 1, 2, 3 और 4। और इसी तरह इसमें जो इसको स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स लगाई गई हैं, 8 लगाई गई हैं, 4 ये ऊपर लगाई गई हैं जो तकरीबन समझे 2.5-3 मीटर पर हैं, और 4 ये नीचे हैं जो दरमियान में से इसको पकड़ के रखेंगे। ये सामने इसके एक गार्डर है जो वर्टिकली इसको खड़ा किया गया है। इस गार्डर के साथ ये छोटे गार्डर लगाए गए हैं जिसके ऊपर, ये सब अल्मीनियम का है, जिसके ऊपर इसको प्लाई को फिट किया गया है, लगाया गया है प्लाई को। इसमें ये स्क्रू के साथ, स्टड के साथ प्लाई को जो है ना इसके साथ फिक्स किया गया है, जिसके आप देख सकते हैं ये है स्टड, इसके साथ इसको फिक्स किया गया। ये इसमें एक्चुअल ये स्पेशल किस्म का रबड़ है जिसमें ये होल हो जाता है या इसको फ्लेक्सिबिलिटी है। ये इसमें लकड़ी नहीं है, वुड नहीं है, ये स्पेशल किस्म का रबड़ है, यानी प्लाई है। उसके बाद ये डोका टाइप ये अल्मीनियम है और इसका वर्टिकली ये इसकी सपोर्ट है। ये वर्टिकल गार्डर जो है ये यानी फ्लेक्सिबल है, इसको आप एंगुलर रोटेट कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। यानी इसके एंगल है, ये इसकी सपोर्टें वगैरह हैं, और ऊपर इसका प्लेटफॉर्म है जिस पे खड़ा होके बंदे ने बाद में अपना काम वगैरह करना है या जो। मेरे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहले पहुंच सके और इस तरह की मालूमाती वीडियो मैं अब तक पहुंचाता रहूंगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अपने कमेंट्स से मुझे लाजमी आगाह करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े कीमती हैं और इंफॉर्मेटिव हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।